सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गौतम वर्मा। आई एम ए टैरो ग्रैंड मास्टर, एस्ट्रोलॉजर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। आज आपके लिए मैं ये खास प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। इसमें मैं मंथली प्रेडिक्शंस करूँगा इस सितंबर मंथ के बारे में, किस तरह आपका ये मंथ बीतेगा और क्या क्या चीज़ें आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द वे इट वर्क्स इज़ वेरी सिंपल। इसमें डेट के आधार पर जो जोडिक साइन होते हैं, जिनको हम सन साइन बोलते हैं, उनके आधार पे आज टैरो रीडिंग मैं करूँगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरिस साइन के साथ, जो मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 तक इसका स्पैन होता है। जिन लोगों का बर्थ मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 तक हुआ है वो एरिस में आते हैं। तो चलिए पहले एरिस का करते हैं, फिर उसके बाद हम टॉरस पे आएंगे। इसी तरह हम सारे जोडिक साइंस कवर करेंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की एरिस के साथ। एरिस वाले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस अपकमिंग मंथ में? अभी जैसे शुरुआत हुई है, आज 5 तारीख है, सो क्या आप इस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले तो लवर्स कार्ड आया है यहाँ पे। सो करंट सिचुएशन में कोई ना कोई लव लाइफ के रिगार्डिंग आप अच्छी न्यूज़ सुन सकते हैं। लव लाइफ में अगर रिलेशनशिप आपकी कभी ख़राब थी, उसमें हीलिंग की रिक्वायरमेंट थी, तो वो रिलेशनशिप दोबारा ट्रैक पे आने की पूरी पूरी संभावना है। सो बेसिकली लव लाइफ वुड बी इन द मेन पिक्चर राइट हियर। सो इस मंथ में मेन पिक्चर की अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ रहेगी। सो साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। कुछ ना कुछ करियर के रिलेटेड आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, और जो चीज़ की तलाश आप कर रहे थे, जैसे उसके पिछला पास्ट का कार्ड आया है, आप काफ़ी देर से आपकी चेतना लगी हुई थी कि कुछ ना कुछ फाइंड आउट करें अपनी लव लाइफ को लेके, कोई नया पार्टनर सर्च करें, तो वो आपको मिल जाएगा इस मंथ में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले जोडिक साइन की ओर, टॉरस की ओर। टॉरस वालों का अप्रैल 20 से लेके मई 20 तक रहता है स्पैन। सो जो लोगों का बर्थ इसी ड्यूरेशन में हुआ है तो वो लोग टॉरस कैटेगरी में आते हैं, टॉरस जोडिक साइन के अंडर आते हैं। सो बात करते हैं टॉरस के बारे में, क्या सितंबर मंथ में मेन फोकस रहेगा और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो रीडिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं एक कंप्लीट सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें मैं टैरो के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग के साथ आपके 5 प्रश्नों का जवाब देता हूँ। तो आप इस सर्विस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चार्जेस आर जस्ट 1121 विच इंक्लूड्स GST। तो ये वाली सर्विस अगर आप लेंगे तो आपको काफ़ी इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं टॉरस साइन वालों की। सो टॉरस साइन वाले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ में, सितंबर मंथ में? सो लेट्स ड्रॉ फ्यू कार्ड्स फॉर टॉरस एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस पर्टिकुलर मंथ। वाओ, सो पहले तो इंटेलेक्चुअल इश्यूज आर देयर इन द पास्ट। तो कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल इश्यूज वर देयर, आप कह सकते हैं जॉब को लेके हो सकता है, प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है, और करंट सिचुएशन में ये दिख रहा है कि वो प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा। जो आप काफ़ी देर से चाहते थे आपके साथ घटना घटे, वो प्रोजेक्ट सफल हो जाए, आप सफल भी हो जाएंगे, आप कॉन्कर कर पाएंगे इजीली। तो ये कार्ड इसी को डिपिक्ट कर रहा है, ये सब सोर्स। और साथ में मल्टीटास्किंग का कार्ड आया है आपके लिए। सो आप काफ़ी बिजी होने वाले हैं अपने वर्क को लेके। सो आगे चल के आपको मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे आपको पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ लेके चलना पड़ेगा अगर आप कंप्लीट सक्सेस चाहते हैं। तो ये तो था टॉरस वालों का। चलिए जेमिनी की बात करते हैं। मई 21 से लेके जून 20 तक जिन लोगों का बर्थ हुआ है उन लोगों की हम अब चर्चा करेंगे जेमिनी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द जेमिनी। For the personal reading, you can contact me on my WhatsApp 8847361414. You can visit my website gauthamcrystals.com. If you need any crystal products, जैसे कि मेरे पास आप देख रहे हैं trees and crystal angels, bracelets वगैरह, you can visit my website or you can visit my Amazon link. So for Amazon link, you can click on the description below. So right, let's get started for the Gemini. So Gemini की शुरुआत करते हैं reading की। ऑलराइट, सो काफ़ी समय से आप स्टक फील कर रहे थे, आप एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन में, फिजिकल लोकेशन में आप स्टक फील कर रहे थे और सर्कमस्टांसिस ने भी आपको एक जगह बिठा के रखा था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सन कार्ड आया है, अब आपके वो दिन चले गए हैं, अब आप थोड़ा
फिजिकली भी कहीं किसी और लोकेशन पे जा सकते हैं। मोस्ट लाइकली ये सर्कमस्टांसिस को भी डिपिक्ट करता है, अगर कोई पर्सन वुंडेड था, किसी को फिजिकल इंजरी थी, किसी को कोई बीमारी थी, वो यहाँ पे हील होने की पूरी पूरी संभावना है। तो मैं इन कार्ड से जज कर पा रहा हूँ। एक आगे भी ये कार्ड आया है, ये भी आपकी पीठ आपके घर की तरफ है, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रैवलिंग का जरूर बन सकता है यहाँ पे, ट्रैवलिंग का जॉब को लेके भी हो सकता है, वैसे भी आप कहीं ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये गाइडेंस है जेमिनाई के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द कैंसर। सो कैंसर June 21st से लेकर July 22nd तक जिनका बर्थ हुआ है उनके लिए यहाँ पर प्रेडिक्शंस रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द कैंसर। जोडिक साइन, सन साइन जिसको भी कह देते हैं। और गाइस ये राशि नहीं होती, राशि अलग होती है। राशि आपके जिस घर में जहाँ पे मून के साथ जो साइन लगा होता है, अगर हम लगन चार्ट देखेंगे वहाँ पे मून के साथ दिखना होता है कौन सा साइन लगा है, वो राशि आपकी हो जाती है। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरी राशि कैप्रिकॉन है, तो मेरे मून के साथ 10 नंबर 8वें घर में है, तो वो बन जाती है मेरी कैप्रिकॉन राशि। कौन सा भी घर हो, इट डजेंट मैटर, मून के साथ जो भी साइन लिखा होगा, जो भी नंबर लिखा होगा आपकी लगन चार्ट में, वो आपकी राशि होती है। ये जो है ये बर्थ के आधार पे सन साइन होता है, ये अलग होता है जॉडिक सिस्टम। सो ये थोड़ा वेस्टर्नाइज सिस्टम है, वो हमारा इंडियन वैदिक सिस्टम है। तो चलिए बात करते हैं कैंसर वालों की। सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन दिस पर्टिकुलर टाइम। सो कैंसर के जितने भी जिनके सन साइन हैं, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट। आपके लिए ये ख़राब पीरियड है, पहले भी आपका बहुत ख़राब पीरियड था, स्ट्रैंगल था, कहीं ना कहीं चक्कर व्यू में फंसना, किसी के जाल में फंसना, किसी ने आपके साथ डिसेप्शन की धोखा दिया, और आगे चल के भी उसी धोखे की वजह से आप काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। जैसे वर्क प्लेस पे हम देखते हैं कहीं ना कहीं लोग आपको षड्यंत्र में फंसा सकते हैं, कोई ना कोई आपके ऊपर आरोप वगैरह झूठा लगा सकते हैं, उस तरह का यहाँ पर दिख रहा है। और फ्यूचर आउटकम में नाइट ऑफ कप्स कार्ड आया है, ये ऑलराइट कार्ड है। आगे चल के अगले मंथ में हम अगर हम बात करें, सो कहीं ना कहीं आप नई डायरेक्शन में लव लाइफ को लेके मूव करेंगे। सो मोस्ट लाइकली ये लव लाइफ को लेके भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं है और आगे चल के आप नए पार्टनर की तरफ जाने का आपकी संभावना है। और जो फीमेल कैंसर के जो जोड़िक साइन है जिनका, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आगे चल के उनको एक नाइट ऑफ कप्स यानी कि बहुत ही रोमांटिक करेक्टर उनकी लाइफ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लियो, लियो वाले जिनका बर्थ हुआ July 23rd से लेके August 22nd तक, लियो वालों की हम बात करते हैं। लियो जोडिक साइन की बात करते हैं। लेट्स ड्रॉ फ्यू कार्ड्स फॉर लियो जोडिक सिंबल एंड लेट्स गाइड द सीकर्स। आप कोई ना कोई बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी से गुजरे हैं, कोई ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हुआ है अभी रिसेंटली जिसमें आप आकाश में थे और आकाश से सीधा आप नीचे गिरे ग्राउंड पे। सो इस इंसिडेंट के बाद आपकी काफ़ी हालात ख़राब हैं, बट प्रेजेंटली आपके लाइफ में कोई ना कोई काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। अगर तो आप फीमेल हैं, तो फीमेल्स के लिए ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने के लिए आप तैयार रहेंगे। जब भी हमारी लाइफ में ट्रेजेडी आती है तो मोस्ट लाइकली लोग जो होते हैं जहाँ तो सुसाइड करते हैं या वो बिल्कुल ही संत बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पीरियड है कि संत बनने का आ गया है, और कैंसर जिनका लियो सिंबल है वह लोग अभी संत बनने की तैयारी में हैं और स्पिरिचुअलिज्म की ओर उनका पूरा पूरा ध्यान है। आगे बढ़ते हैं। चिरवट कार्ड आया है, ये डिपिक्ट करता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं लाइफ में, आपकी डायरेक्शन ख़राब नहीं है। वॉट एवर यू आर डूइंग गुड, तो ये उसी चीज़ को डिपिक्ट करता है चिरवट कार्ड। सो चलिए बढ़ते हैं आगे विर्गो वालों की ओर, जिनका बर्थ हुआ है August 23rd से लेके September 22nd तक, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए बात करते हैं अब विर्गो वालों की। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स एक कार्ड आया है। करंटली जो फीमेल्स हैं उनके लाइफ में कोई ना कोई यंग एम्बिशियस करियर ड्रिवन पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन उनकी लाइफ में एंट्री लेगा, तो ये यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। उसके अलावा
लव रिलेटेड जो भी टर्बुलेंसेस थे वो बैलेंस होने की पूरी पूरी संभावना है। नाइट किंग ऑफ कप्स भी आया है, कोई ना कोई मेच्योर पर्सन की सपोर्ट आपको मिलेगी, और रिसेंटली आपके लाइफ में बहुत ही अच्छे दिन आए थे और आपने कोई ना कोई अचीवमेंट अपनी लाइफ में हासिल की है। तो ये एक जनरल आइडिया आपको दे रहा है विर्गो के बारे में। लेट्स गेट स्टार्ट विद लिब्रा। सितंबर 23rd से लेके अक्टूबर 22nd तक गाइज, ये एक लाइव वीडियो है तो इसमें अगर मैं कोई भूल चूक करूँ तो प्लीज़ पार्डन मी, और लेट्स गेट स्टार्टेड विद लिब्रा। सो दिस इज द रीडिंग। सो सबसे पहले यहाँ पे आया है नाइन पेंटिकल्स कार्ड। नाइन पेंटिकल्स कार्ड वैसे डोनेशन होता है कि लोनली वोमेन का, लोनली वोमेन दैट इज़ हाईली सक्सेसफुल। तो अगर आप फीमेल हैं तो मोस्ट लाइकली आप काफ़ी लाइफ में लोनली लाइफ जी रहे थे, और आपकी लाइफ में अब कोई मैच्योर मैन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है, और ये मैच्योर वूमेन का ही कार्ड होता है। अगर आप यंग फीमेल हैं तो आप कह सकते हैं आपकी चेतना जो थी वो करियर की ओर ज़्यादा थी, अब आपका ध्यान थोड़ा लव लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके आगे बढ़ेगा, और आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंट्री ले रहा है, और आगे चल के कोई और भी एंट्री ले रहा है, वो उनसे थोड़ा यंग रहेगा। तो यहाँ पे आपको लव लाइफ का डेफिनेटली एक नया कह सकते हैं इनिंग्स की शुरुआत होगी, तो आप कई चीज़ें यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो है अक्टूबर 23rd से लेके नवंबर 21st तक, जिन लोगों का बर्थ इसी डेट के इन्हीं डेट्स के बीच में हुआ है, उन लोगों का सिंबल, उन लोगों का जियोडिक साइन स्कॉर्पियो होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I'll draw three cards to find out about Scorpio. So यहाँ पे मुझे choice दिख रही है, कोई ना कोई ऐसी choice आपको करनी पड़ी थी मजबूरी वश, जहाँ पे दो options आपके सामने रखी गई थी और आप काफ़ी confused थे, और अब आप ये सोच रहे हो क्या आपने सही option को select किया है। So ये हो सकता है career को भी depict करता हो, और यहाँ पे मुझे Queen of Swords भी दिखा है, और साथ में मुझे एक जर्नी का कार्ड और एक घर छोड़ने का कार्ड भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप नई डायरेक्शन में, नई फिजिकल लोकेशन में, ज्योग्राफिकल एरिया में मूव होने की तैयारी में हैं, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है, तो ये एक नई डायरेक्शन की ओर यहाँ पे अगेन पॉइंट आउट कर रहा है। सो जो लास्ट ऑप्शन थी मोस्ट लाइकली वो आपने गलत चॉइस किया है। मान लीजिए किसी ने कॉमर्स और आर्ट्स में चूज़ करना था, उस पर्सन ने आर्ट्स चूज़ कर दिया ये सोच के कि मेरे नंबर इसमें ज़्यादा आ जाएंगे तो मैं अच्छा लगू, अच्छे मेरा रिपोर्ट कार्ड लगेगा, अच्छी जॉब लग जाएगी, लेकिन वो ये भूल गया कि कॉमर्स के साथ जो है उसका एक्सपीरियंस वास्ट हो जाएगा, और कॉमर्स एक टेक्निकल जॉब दिलाने के लिए आपको जो है हेल्प करेगा, तो ये चीज़ वो पर्सन भूल गया। तो इस तरह का कुछ एग्जांपल मैंने आपको देने की कोशिश की है कि हम लाइफ में कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं हमें दो चीज़ों में चुनाव करना पड़ता है, तो हम गलत कई बार चुनाव कर बैठते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको जैसे बताया आर्ट्स और कॉमर्स के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्क्स आपने आर्ट्स चूज़ कर लिया, बट आप ये भूल गए कि आर्ट्स की जॉब्स इतनी अच्छी नहीं है, मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे बट जॉब्स इतनी अच्छी नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सैजिटेरियस। नवंबर 22nd से लेके दिसंबर 21st। ओके, नवंबर 22nd से लेके दिसंबर 21st तक सैजिटेरियस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड with Sagittarius. ओके, तो यहाँ पे अगेन स्पिरिचुअलिज्म का अच्छा कार्ड आया है, मजिशियन कार्ड आया है, विच डिपिक्ट्स अ रियली पॉजिटिव वाइब्रेंट ऑरा। अगर तो आप मेल हैं और आपका ऑरा बहुत ही वाइब्रेंट है, ब्राइट है, और आप काफ़ी पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली स्पिरिचुअलिज्म के साथ, अध्यात्म के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, आप हो सकते हैं एफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुलाइजेशंस कर रहे हैं, और वो आपकी पूरी हो जाएंगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाएगा जो काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी पॉजिटिव है, और उनके आने से एक कहते बहार आ जाएगी लाइफ में, इस तरह से मुझे दिख रहा है। और साथ में मुझे ये एट कप्स का कार्ड भी दिख रहा है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है काफ़ी लोगों के, तो ये इसलिए भी रिपीट हो रहा है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल चल रहा है तो इसमें हर कोई घर में बोर फील कर रहा है, हर कोई चाहता है कि मैं घर से बाहर जाऊं, कुछ नया एक्सपीरियंस करके आऊं, तो ये इसलिए ये वाला कार्ड जा रहा है यहाँ पे आ रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम कैप्रिकॉर्न साइन वालों की ओर. जिनका बर्थ हुआ है दिसंबर 22 से लेके जनवरी 19 तक, उनका ये सिंबल रहता है, उनका ये साइन रहता है जोडिक साइन. चल बात करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन की. व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन दिस पीरियड? यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑलराइट, सो कोई ना कोई न्यू फीमेल आपकी लाइफ में आएगी. अगर आप मेन हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप नया प्रोजेक्ट ले सकते हैं, नई जॉब की आपकी शुरुआत हो सकती है. और ये यहाँ पे भी डिपिक्ट कर रहा है कि आप रेडी हैं. अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो तैयार हैं पब्लिक के लिए, कस्टमर्स के लिए. लेकिन बात ये है कि कस्टमर्स मिल नहीं रहे थे, बट अब आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है. जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ, सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी. और मेरा भी यही साइन है कैप्रिकॉर्न साइन, तो मैं अपने साथ ये डेफिनेटली रिलेट करके बता सकता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट आया है 100%. तो गाइस जरूर कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा. मैंने जरूर एक छोटी सी रीडिंग ही की है, लेकिन मैंने कोशिश की है एक हट के चीज़ करने के लिए और पब्लिक को भी मैं कुछ दे पाऊँ. मेरे काफ़ी क्लाइंट्स दिन में मैं काफ़ी क्लाइंट्स को सर्व करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं क्लाइंट्स के अलावा भी काफ़ी लोगों को सर्व कर पाऊँ यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू. तो चलिए एक्वेरियस साइन की बात करते हैं. जनवरी 20th से लेके फरवरी 18th तक जिनका बर्थ है, सो उनकी हम बात करते हैं. कार्ड्स मैं तीन निकालता हूँ यहाँ पे टेबल पे, सो हम रीडिंग कर लेते हैं. सेकंड लास्ट ये है, वाओ द वर्ल्ड कार्ड. बहुत बढ़िया विक्ट्री आपकी लाइफ में आई है, इतनी अच्छी सुंदर लाइफ आप जी रहे हैं. और यहाँ पे ये दिख रहा है कि डेथ ऑफ विक्ट्री है, कि इनर सक्सेस भी है, आउटर सक्सेस भी है. जैसे जोरबारी बुद्धा, हमारे परम गुरु ओशो, जिनको जिन जो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनकी संस्था के साथ मेरा नाता भी है. और वहाँ पे जोरबारी बुद्धा कॉन्सेप्ट समझाया जाता है. वो ये कहते हैं कि आप भीतर से भी सफल हो जाओ, आप स्पिरिचुअलिज्म में, अध्यात्म में की गहराइयों में जाओ, और बाहर से भी आप जोरबा बन जाओ. तो भीतर से बुद्धा, बाहर से जोरबा. जोरबा यानी कि एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो, उसके पास भीतर का कुछ नहीं था. और बुद्धा के पास भीतर का सब कुछ था, बाहर से वो फकीर थे. चाहे वो राजा के घर में पैदा हुए थे, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ कमी थी. तो उन्होंने कहा कि आप दोनों ही बनो. बहुत ही अच्छा सुंदर कॉन्सेप्ट है और उसी के ऊपर आप चल रहे हैं. आप पॉजिटिव रह रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत ही ब्लिसफुल जा रही है और आगे अच्छी जाएगी. मजिशियन कार्ड भी यहाँ पे आया है और ये फिर अगेन स्पिरिचुअलिज्म के साथ इसका लिंक है. अगर आप मेन हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी एक अच्छी फीमेल के साथ मैरिज होगी और चिल्ड्रन होंगे और अच्छा सा घर भी बन जाएगा, जॉब एंड प्रॉस्पेरिटी भी रहेगी. तो आप इससे बढ़िया क्या मांग सकते हैं? अगर आप फीमेल हैं तो भी आपके साथ अच्छा मैन कोई आ जाएगा जो कि आध्यात्मिक हैं, पॉजिटिव हैं, और उनका लाइफ में आना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से रीडिंग करते हैं हम पाइसिस की, जिनका फरवरी 19th से लेके मार्च 20th तक बर्थ है. उनका जो साइन रहता है वो पाइसिस रहता है. सो लेट्स डू द रीडिंग फॉर द पाइसिस एंड देन दिस वुड एंड द वीडियो. और मैंने फर्स्ट टाइम इतनी लंबी वीडियो बनाई है यूट्यूब के लिए, सो अगर क्षमा चाहते हैं कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ स्किप हो गया हो. सो एनीवेज गाइस, आप ईमेल भी मुझे कर सकते हैं info@gautamcrystals.com. ये मेरी ईमेल है, इसको मैं रेगुलरली चेक करता हूँ. इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8847361414 पे. और ईमेल और व्हाट्सएप पे अगर आपने करना है तो मैसेज कीजिए, क्योंकि कई बार मैं फ़ोन नहीं पिक कर पाता, मैं दिन भर बिजी रहता हूँ काफ़ी. तो मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए चार्जेस ज़रूर लगेंगे. तो पाइसिस की हम बात करते हैं गाइस, इस मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइसिस वाले? देखिए, लाइफ में बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई है और इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद अब आप धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और आप फिज़िकली उस लोकेशन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं. आप जर्नी पे भी हैं. अगर कोई फ़ौरन जाने की तैयारी में है तो वो उसके लिए सन कार्ड आया है, तो बहुत ही बढ़िया है, फ़ौरन आप चले जाएंगे. अगर तो आप आउट ऑफ सोरो एंड सैडनेस कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी ये कार्ड ठीक आया है. और किंग ऑफ सोर्स आगे फ्यूचर आउटकम में आया है, तो अथॉरिटी आपके साइड में रहेगी, अथॉरिटी से आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी. अगर आप एम्बिशियस करियर ड्रिवन यंग मैन हैं या आप इवन मैच्योर मैन भी हैं, लेकिन आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे प्रमोशंस बहुत होती है बार बार, तो आपकी प्रमोशन होनी निश्चित है.
ये यहाँ पे दिख रहा है, प्रमोशन भी दिख रहा है, साथ में एक जर्नी भी दिख रही है, और ये इनर जर्नी को भी डिपिक्ट करता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं तो हम इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं, तो उसकी बजाय अगर आप मेडिटेशन में जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यही गाइस यहाँ पे समाप्ति होती है इसी की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें, और हर मंथ मैं कोशिश करूँगा आपको इस तरह से वीडियोज़ बना के आपको गाइडेंस देने की, और कोई ना कोई रेमेडीज़ अगर हो तो मैं आपको वो भी बताता जाऊँगा। आज फिलहाल मैं रेमेडीज़ का सेक्शन कवर नहीं करूँगा, और अगले मंथ हम पॉसिबली एक रेमेडीज़ की वीडियो अलग से बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, हैव अ लव।